भैया राम राम साथ में आ जाओ साथ में आ जाओ कैच करवाई तुमने मेरी चलो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नगर में घूम रही हम बच्चे जो दुकानदार हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं हम लोग का धन्यवाद कर रहे हैं सभी भाइयों का नमस्कार भाई मारे वाले देख चल कहां जा ए इसे तोड़ ले जी लोग आज किस तरह का अभियान चला गया है क्रांति सेना परिवार द्वारा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मेहंदी को लेकर जो हमारे पूरे भारत में करवा चौथ का पवित्र जो पावन त्यौहार है वो मनाया जाता है। इस त्यौहार की आड़ में कुछ लोग समुदाय विशेष के लोग हमारी बहन बेटियों को मेहंदी लगाते हैं जबकि वो हमारी सोच के हिसाब से लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं की शुरुआत है। उसी के तहत हम लोगों ने शहर के प्रत्येक दुकानों पर जाकर हम लोगों ने सबसे निवेदन किया है जहाँ जहाँ मेहंदी लगाई जाती थी कि किसी भी दुकान पर कोई भी ऐसे समुदाय विशेष का व्यक्ति ना बैठा मिले जिससे कि हमारी बहन बेटियों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। और उसी मुहिम के तहत क्योंकि हम हर वर्ष ये मुहिम चलती है तो हमें बड़ा अच्छा लगा सभी दुकानदार भाइयों ने हम लोगों का सहयोग किया। किसी भी दुकान पर कोई भी विशेष समुदाय का व्यक्ति हम लोगों को बैठा नहीं मिला और हम लोगों ने अपनी बहनों से अपनी माताओं से बैठकर इस बारे में बातचीत भी की चर्चा भी की है तो सभी ने हमारी मुहिम की सराहना दी और सभी ने हम लोगों का धन्यवाद भी किया और हम लोगों ने भी सभी दुकानदार भाइयों का और सभी मातृ बहनों का मातृ शक्तियों का हृदय से धन्यवाद किया और हमने कहा कि आप हमारी मुहिम को इस तरह ही सहयोग देता रहे और बस ये हमारे मुझसे पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग था। पुलिस प्रशासन से हम लोगों की रात बात हो गई थी हम लोगों ने उनसे कहा था कि भाई हमारी जो मुहिम है इस तरह का हम उसका अपना हर वर्ष की बात इस तरह करेंगे तो पुलिस प्रशासन ने हमारे इस तरह की कोई उनसे हमें ना उन्होंने हमें कोई रोका है ना हमें इस तरह की कोई बात कही है बस ये जरूर कहा था कि कोई ऐसी घटना ना हो कि जिससे कि प्रशासन का कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़े मगर हमने उस चीज़ को ही देखते हुए क्योंकि हम लोग हर साल चला रहे हैं आम आदमी भी हर व्यक्ति इस बारे में समझदार है किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति बनने की नौबत ही नहीं आई कि जो हम लोगों को प्रशासन का सामना करना पड़े या प्रशासन को हम लोगों पर किसी प्रकार की आपत्ति करनी पड़े।